शिवाय ओम गणेश जय श्री कृष्ण। भगवान शिव जी का एक इतना उत्तम जो शिव रहस्य शिव बृहत धर्म पुराण उप पुराणों में ये दिया हुआ है, और एक प्रकार से वैसे ये है शिव स्तोत्र, किंतु इसे कहा जाता है शांति अध्याय अर्थात शांति पाठ का अध्याय। हर प्रकार के जीवन में शांति प्रदान करने वाला है, हर एक कामना को देने वाला है। मतलब आज तक आपने बहुत ऐसे स्तोत्र वगैरह देखा होगा कि जिसमें लिखा है पुत्रार्थी लभते पुत्र, मतलब पुत्र प्राप्ति है तू। लेकिन ये एक ऐसा स्तोत्र जो बहुत वर्षों के बाद मुझे प्राप्त हुआ है कि जिसमें ये लिखा गया हो कि कन्यार्थी लभते कन्या, मतलब बहुत उद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है और सर्व कुछ है ऐसा। यहाँ मैं पुत्र पुत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे जिन्हें धन प्राप्ति करनी है उसे धन प्राप्ति होगी, जिन्हें कन्या की प्राप्ति करनी है कन्या प्राप्त होगी, जिन्हें पुत्र प्राप्त करना उन्हें पुत्र प्राप्त होगा, जिन्हें विद्या प्राप्त करनी है उसे विद्या प्राप्त होगी, जिसका गर्भ बार बार स्रवित होता हो मिसकैरेज आदि अगर हो रहा है होता है तो उसके लिए ये बहुत ही उत्तम है। उसी प्रकार से जो जो कामना जो जो भी इंसान रखता है साधक रखता है वो पूर्ण होता है। जो कोई मनुष्य यह सुनता है उसे सुनकर युद्ध में जाता है तो शत्रुओं को परास्त करता है उस काल के अनुसार, ध्यान से रखिएगा सुनिए, लेकिन हमारी श्रद्धा है तो यस अवश्य इस समय में भी शत्रुओं को परास्त करने में समर्थ है। तो ये है, फिर लिखा है कि जैसे वात पित्त आदि जो सारी चीजें ऐसे एक शरीर के जो विकार है अधिक या कम होते हैं तो सारे रोग होते हैं तो उसको मिटाने वाला है। उसी प्रकार से अकाल मृत्यु को हरने वाला है, मतलब इतने सारे इसके फल है इसमें संदेह नहीं है। गंगा नदी के तट पर बैठकर जो अनुष्ठान करने से पुण्य फल मिलता है वो इसको सुनने से उसके पाठ से मिलता है, और वो भी करोड़ गुना। राजसूय यज्ञ से जो फल मिलता है, अग्निष्ठ ओम यज्ञ से जो फल मिलता है वो केवल इसके श्रवण मात्र से प्राप्त होता है। सभी देवी और देवता मतलब विशेष रूप से एक वरदान की तरह इस के पाठ से इसके सुनने मात्र से वरदान की तरह सर्व कुछ देते हैं। उसी प्रकार से आगे यहां तक लिखा है कि कोई गाय को मारने वाला, गाय की हत्या करने वाला, कोई ब्रह्म हत्या करने वाला, कोई ब्राह्मणों को मतलब कुछ भी अपभ्रंश भाषा या अपशब्द बोलने वाला हो, गुरु पत्नी गमन करता हो, परस्त्री गमन करता हो, घातक मित्र को विश्वासघात करने वाला हो, दुष्ट हो, पापी हो, पितृ हत्यारा हो, मतलब ऐसे कोई भी पाप भी उससे हुए है तो इसके श्रवण मात्र से बहुत दूर हो जाता है। सभी प्रकार की कामना देने वाला है। अगर आप मुझे कहते हो, पर मैं देखूंगा अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो मैं इसका जो अनुवाद है ना क्यों इतना शक्तिशाली है वो अवश्य आपको कथा के माध्यम से सुना होगा, अगर वीडियो सब देखते हैं पसंद आता है तो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिएगा। अब वो जो स्तोत्र है ना शांति पाठ वो सुनिए। ओम जयात्मा योग संस्थाय जय संशुद्ध चेतसे जय दानैक शूराय जयेशाय नमोस्तुते जयोत्तमाय देवाय जय कल्याण दायिने जय प्रकट देवाय जय जप्याय ते नमः जय लक्ष्मी विधानाय जय कांति विधायिने जय वाक्य विशुद्धाय अजिताय नमो नमः जय त्रिशूल हस्ताय जय खट्वांग धारिणे जय निर्मित लोकाय जय रूपाय ते नमः जय कांतार्ध देहाय जय चंद्रार्ध धारिणे जय देवादिदेवाय महादेवाय ते नमः जय त्रिभुवनेशाय जय विख्यात कीर्तये जयाधाराय देवाय जय कर्त्रे नमोस्तुते जय निर्मल देहाय जय सर्वार्थकारिणे जय मन्मथनाशाय ईशानाय नमो नमः ब्रह्म विष्णुवंद्र रूपाय जय शांताय ते नमः जय जात विशुद्धाय सर्वव्यापी नमोस्तुते। बस इतना सा यह मूल स्तोत्र है या शांति पाठ है, शिव शांति अध्याय है, और उसके बाद जो मैंने आपको हिंदी में सारे अनुवाद मतलब इसका जो फल महात्म्य सुनाया ना वो सारे स्तोत्र है। इसका कोई भी नियोग न्यास समय मुहूर्त कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिदिन यह आप कर सकते हो।
शांति घर में पूर्ण रूप से बन जाएगी और जैसी कामना है वो अवश्य बनेगी। तो यह मूल स्तोत्र को लेकर आप चलिए और अवश्य इसका लाभ लीजिए, भगवान शिव की सदा शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। और जैसे मैंने इसका महात्म्य सुनाया, हूबहू शास्त्रों में इसका महात्म्य लिखा हुआ है। ये था आज का विषय वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइए, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए बिना बोले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं हम नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव हर।